नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जो 31,661 सिलेक्टेड लिस्ट जारी किया गया है, तो आपको बता दें कि इस समय जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और अदर सोशल साइट पर जो वायरल न्यूज चल रही है, ये लिस्ट पूरी तरह से फर्जी है। तो अफवाहों से दूर रहिए। इस लिस्ट में आपको बता दें, जब इसका पूरी तरह से अवलोकन किया गया तो यहाँ पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती की 31,000 सीट के लिए जारी किया गया पीडीएफ है, ये पूरी तरह से फर्जी पीडीएफ है। तो कृपया करके अफवाहों से दूर रहिए। मानसिक पीड़ा से गुजर रहे 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को परेशान करने के लिए किसी ने लिस्ट अपलोड कर दिया था, जो कि पूरी तरह से फर्जी है। अफवाहों पर ध्यान न दीजिए। अभी पीएनपी ने किसी भी प्रकार से किसी भी लिस्ट को जारी नहीं किया है, क्योंकि जब उनके अध्यक्ष से बात किया गया तो उन्होंने कहा अभी किसी प्रकार की लिस्ट जारी नहीं किया गया हमारी तरफ से। तो ये है आज का न्यूज़, जो कि फर्जी वायरल न्यूज़ का अवलोकन करने के बाद यहाँ पर एक बड़ी संख्या में वायरल न्यूज़ के बारे में अभ्यर्थी पता करना चाहते हैं कि ये लिस्ट सही है, पीएनपी के द्वारा जारी किया गया है। तो आपको बता दें, ये लिस्ट पूरी तरह से फर्जी गलत है। वहीं एक दूसरी न्यूज आपको बता दें कि सचिव से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आर्डर आते ही बचे हुए लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, बस एक महीने की सीनियरिटी और जूनियरिटी रहेगी। ये कहा है सचिव महोदय ने, जब उनसे अभ्यर्थियों ने बात किया कि हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है कि 31,000 को नियुक्ति देकर उन्हें रोका जा रहा है, तो उन्होंने कहा आप परेशान मत होइए, आप लोगों को भी एक महीना के अंदर आर्डर आते ही नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज पर वार्ता के अनुसार ताज़ा अपडेट यह है कि हर जिले के कुल सीट का 45.88% लेकर के, यानी 45.88% को लेकर के ऊपर से ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यानी 45.88 हर जिले के जो ऊपर से अभ्यर्थी होंगे उनका चयन किया जाएगा। उसमें किसी भी कैटेगरी के छात्र हों, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, क्योंकि अब उसी आरक्षण के अनुरूप ही लिस्ट बना है, तो उसमें आरक्षण भी नहीं लगाया जाएगा। तो ये है यूपी में भर्ती प्रक्रिया। दूसरी ओर अभ्यर्थियों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही विभाग आगे काउंसलिंग के लिए कदम बढ़ाएगा, इसलिए चयनित उत्साह न हो, अचयनित अभी हताश ना हो। जो अचयनित हो गए हैं वह 26 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनऊ पहुँचे। तो आपको बता दें, इस परीक्षा की घड़ी में आप अपने घर से जरूर निकले, 26/9/2020 सेक्रेट समय सेक्रेट यानी लखनऊ पे पहुँचे, जहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं अभ्यर्थी। तो यहाँ दूसरी ओर बचे हुए अभ्यर्थी करेंगे विरोध प्रदर्शन। अभ्यर्थियों की ओर से तैयार पोस्टर, जहाँ पे लिखा है निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो विमानों से, ओबीसी एसटी अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती, भीख नहीं अधिकार चाहिए। हमारे यहाँ पे साथीगण जो कि पोस्टर तैयार करके आगे की रणनीति तैयार करते हुए, और बिना डरे घर से निकलिए, पहली लाठी पहला मुकदमा जेल आपके भाई पर होगी, ये कहा गया है अभ्यर्थियों के हेड विजय यादव भैया द्वारा। वहीं पुलिस के साय में नौजवानों ने किया युवा रोजगार अधिकार सम्मेलन, इंकलाबी नौजवान सभा इनोस ने रोजगार के अधिकार के लिए युवा रोजगार अधिकार सम्मेलन मुंशीगंज शहीद स्मारक पर तेज बारिश के बावजूद नौजवानों को संबोधित किया। तो यहाँ पुलिस का पहरा भी रहा। इंकलाबी नौजवान सभा की पदयात्रा 28 को शुरू होगी। तो सुनील मौर्य की ओर से कहा गया है कि बेरोजगार युवाओं को उनका हक दिलाना, जागरूक करना हमारा लक्ष्य है, सुनील मौर्य ने कहा। तो अभी बता दें जो फर्जी लिस्ट के बारे में, कि अब जाके उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के बीएससी को 31,661 की लिस्ट के लिए तलब कर लिया गया है, जल्द ही सार्वजनिक सूची जारी हो सकती है। अन्य अड़चनों को भी ध्यान में रखते हुए ये बताया गया है दुर्गेश जायसवाल जी की ओर से। यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा बैनर पोस्टर तैयार है, कल महासंग्राम होगा लखनऊ में। कहा जा रहा है जितने भी साथी सभी पिटीशन में याची बने हैं, वे जरूर आए, नहीं तो आपकी लड़ाई अब कोई लड़ने वाला नहीं बचेगा, ना तो कोई अब कोई आपकी लड़ाई लड़ेगा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मानसिक पीड़ित साथियों को भी लखनऊ के लिए कुछ करने के लिए विनती की जा रही है। वहीं 70 साल में रिटायर होंगे अब कुलपति। वहीं ट्विटर ट्रेड बैक प्रशिक्षु निवेदन, सभी बैक प्रशिक्षु के लगातार ट्वीट रिट्वीट करिए, ताकि एक घंटे में पूरे भारत में ट्रेड कर सकें।